बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामुअलैकुम, और सबको खुशामदीद करता हूँ अपनी वीडियो में, जिसने भी सीखने के लिए ओपन किया है। तो जिसको आज जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में कर भी सकते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ एजुकेशनल के लिए, क्योंकि बहुत से लड़के जो होते हैं वो उनको पता नहीं होता कि DMM किस तरह यूज़ करते हैं, DAE वाले स्टूडेंट या जो हैं BSc इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मेरे साथ जो मल्टीमीटर है डिजिटल, तो उसका मॉडल कौन सा है, उसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और उससे हम क्या काम ले सकते हैं। तो मैं उसका इस वीडियो में इस DMM का फुल फंक्शनलिटी आपको बताऊंगा कि इसकी फंक्शनलिटी किस तरह होती है। तो आप देख सकते हैं इसका मॉडल जो है UNIT का है और UT3CD जो है इसका मॉडल नंबर है। इसमें एक दो और भी आते हैं A, B और C, तो उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तकरीबन यही होते हैं, लेकिन एक में सेंटीग्रेड वगैरह होता है और एक में कोई डायोड वगैरह चेक के और फंक्शनलिटी होते हैं। तो ये मेरे पास एक अच्छी किस्म का एक DMM है, जो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा 850,000 रुपये तक। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं कि इसके हम फंक्शनलिटी किस तरह कर सकते हैं। इसमें आपको ये बटन नज़र आ रहा है, कहीं पर भी आपको देखते होंगे लाइट नहीं है, डार्क है, तो आप इससे इसकी जो है ना इसके अंदर जो लाइट होती है उसको ऑन कर सकते हैं। साथ में होल्ड बटन है, आपने एक रीडिंग ली है उससे आप होल्ड वगैरह कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ऑफ बटन है, तो इसकी वजह से ये ऑफ है, इसको मैं ऑन कर सकता हूँ साथ में। तो अभी जो है आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं वोल्टेज है साथ में, तो इसके साथ निशान जो है वो डायरेक्ट है, तो यह DC वोल्टेज है। अच्छा इससे पहले आने से पहले मैं आपको इसके प्रोब्स बता देता हूँ। इसके दो प्रोब्स होते हैं आपके पास, उसके साथ तो एक लंबी वायर होती है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। एक होती है रेड वायर, एक होती है ब्लैक वायर। ब्लैक वायर को हम कामन में लगाते हैं, इधर जो है आपको ये नज़र आ रहा है, मैं आपको इसको निकाल के COM कामन नज़र आ रहा है। तो उसके साथ साथ में जो है इसका जो है ये रेड वायर जो है ये वोल्ट मिली एम्पियर और ये इसका जो आउटपुट है इसमें हम लगा सकते हैं पल्स वेव जो जनरेट करने के लिए। और साथ में जब हम DC एम्पेयर को करते हैं तो ये वाली प्रोब जो है हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो इसके अंदर जब मैं DC वोल्ट मेजर करता हूँ तो उसके अंदर जो है मेरे पास 200 मिली एम्पेयर, 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट, फिर है 200 वोल्ट, फिर है 500 वोल्ट, DC तक ये मेरे लिए मेजर कर सकते हैं, ये इसकी रेंज है। उसके बाद जो है मेरे पास AC का साइन आ जाता है, तो उसके साथ V लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि AC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, तो वो 0 से 500 तक आपको आसानी से मेजर करके देगा। उसके बाद जो है आपको दो निशान नज़र आ रहे हैं, तो एक है डायोड चेक का, सही है ये वाला, और साथ में एक है आपके पास बजर का। उसके बाद इससे हम डायोड और कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हम जब कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो ये आपको बजर की आवाज़ देगा, और अगर ये कनेक्ट ना हो तो आपको कुछ हो यहाँ पे रीडिंग्स शो करके देगा। तो अभी हम इसके पास आते हैं, उसके बाद आउट है, तो इससे हम पल्स वेव जनरेट करते हैं, किसी IC पे हमने पल्सेस देने हों या कहीं पर भी ट्रांजिस्टर पर, तो हम उसको यहाँ से दे सकते हैं सिर्फ चेकिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है एम्पेयर DC और साथ में 2000 माइक्रो से लेकर 10 एम्पेयर तक दे सकता है। जब तक मिली एम्पेयर तक रेंज हो तो हम उसको 200 मिली पे रखते हैं, और जब हमारे पास एम्पेयर तक आ जाती है तो हम ये प्रोब यहाँ से यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करके सर्किट के साथ उसकी वैल्यू यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर निशान आ रहा है ओहम का, तो ओहम का है, तो उस पर हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं 200 से 0 से लेकर 200 मेगा ओहम तक इस पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक किलो होता है, साथ में फिर मेगा होता है, फिर 200 मेगा। तो ये हमारे साथ सारी इसकी हो गई डिस्क्रिप्शन कि इस पर हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। अभी मैं इसकी आपको फंक्शनलिटी दिखाता हूँ
इस पे मैं आपको वोल्टेज वोल्ट मैयर करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह डीसी वोल्टेज मैयर करते हैं। तो मुझे उसके लिए एक डीसी पावर सप्लाई चाहिए होगी, जो मेरे पास वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई है। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ कौन सी डीसी सप्लाई है। ये वाली जो मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर 2 एम्पेयर वाली डीसी पावर सप्लाई, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 0 से 27 वोल्ट तक मुझे वोल्टेज देते हैं। उसके बाद जो है मेरे पास हो, उसके अंदर मैंने एक LED इंडिकेटर के तौर पर लगाया हुआ है, साथ में उसकी डायग्राम बनाई हुई है। तो मैं इसको सिर्फ यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर मेजरमेंट की वोल्टेज, इससे किस तरह मैं फाइंड करूँगा। तो उसके मेरे पास दो प्रोब्स हैं, एक ब्लैक है और एक मेरे साथ रेड है। तो मैं इसको सप्लाई किया और 220 वोल्ट AC के साथ हो 220 वोल्ट AC के साथ हो लगाता हूँ। तो उसके अंदर मेरे पास आ जाएगा, इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि रेड LED जो है मेरे साथ ऑन हो गई है। सही है, तो अभी जो है मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे वोल्ट मैयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है इसके अंदर ये 200 मिली और 2000 मिली आ रहा है, साथ में 20। तो जब तक इसकी रेंज मेरे साथ 20 से बढ़ती नहीं है, तो मैं इसको 20 पे ही रखता हूँ। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं रेड प्रोब को रेड के साथ लगाता हूँ और ब्लैक के साथ और रेड को मैं रेड के साथ लगाता हूँ। तो अभी चेक करते हैं इसके रेड को रेड के साथ लगा के, ब्लैक को ब्लैक के साथ लगा के, कि इसकी पोलरिटी भी सेम रहे। तब ये मेरे साथ हो 8.13 वोल्ट दे रहा है। सही है, तो अभी देखते हैं इसकी मैं वोल्टेज चेंज करता हूँ यहाँ से, तो इस पे देखते हैं कि मेरे साथ वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं कि नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इसकी मैं वोल्टेज ज़्यादा कर रहा हूँ, तो साथ में देखते हैं कि इसकी 20 से जिस तरह वोल्टेज बढ़ेंगे, जिस तरह इसके कम होंगे, तो ये हमारे साथ 19 है। जिस तरह मैं 19 से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो इसकी रेंज ख़त्म हो जाती है। तो इसको फिर मैं 200 पे ले आता हूँ तो मेरे साथ 20.4 आ रहा है। तो उसके साथ जिस तरह मैं फिर ज़्यादा करता हूँ तो ये मेरे साथ फुल जो है 27.1 दे रहा है। अभी इसको मैं कम करता हूँ साथ में, तो ये मेरे साथ कम होगा वोल्टेज। तो अभी जो है मेरे साथ हो गया है 9.857 54.3। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ LED जो है ये 1.8 वोल्ट पे ऑन होती है, तो इस वो भी ऑफ हो गई है। जिस तरह 1.2 1.8 वोल्ट तक आती है तो आपको LED जो है ऑन मिलेगी। जिस तरह ये 1.8 से कम हो जाते हैं इसके वोल्टेज, तो ये कम हो जाते हैं। तभी मेरे पास आ रहे 0.04, इसको मैं जिस तरह 20 पे लेके जाता हूँ तो 0.43 हो गया, मिली पे लेके जाता हूँ तो 432 मिली वोल्ट है अभी मेरे साथ शो हो रहा है। तो इस तरह हम इससे जो है ना DC वोल्ट मैयर कर सकते हैं जो हमारे साथ हो आएगा। तो ये हो गई हमारे साथ DC वोल्ट की मैयरमेंट, जिस पे हम DC वोल्ट मैयर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास DC वोल्ट मेजरमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि उसमें हम वोल्ट किस तरह मैयर करते हैं, कनेक्टिविटी चेक किस तरह करते हैं, एम्पेयर किस तरह मालूम करते हैं किसी सर्किट में, और साथ में रेजिस्टेंस किस तरह मैयर करते हैं। थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगेबान।